औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए महाराष्ट्र से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि महाराष्ट्र में आज जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपनी मकबूलियत बढ़ा रही है और लगातार वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के ज़रिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का पैगाम हर एक वो शख्स को दे रहे हैं जहाँ पर वो मजलूम है, और जो वहाँ की आवाम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशान हो चुकी है उसको मजलिस वहाँ पर अपनी पार्टी में शामिल करके उनको उनका हक और उनके हुकूक दिलाती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आप सभी ने देखा कि औरंगाबाद के एमपी लगातार हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय पार्लियामेंट में रख कर वहाँ पर औरंगाबाद के डेवलपमेंट का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले बीएमसी चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी औरंगाबाद में और पूरे महाराष्ट्र में अपने नुमाइंदों को मैदान में उतार रही है और वहां पर एक नई तारीख का वो ऐलान करने जा रही है। क्योंकि बीएमसी चुनाव में आज जिस तरह से जिस पोजिशन पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी खड़ी है वो वहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ अपने नुमाइंदों को वहाँ पर मैदान में उतारने जा रही है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि लगातार औरंगाबाद के एमपी और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट औरंगाबाद में जिस तरह से आज काम कर रहे हैं इम्तियाज जलील साहब, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में और इम्तियाज जलील साहब की निगरानी में आज जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में काम किया जा रहा है वो एक बेहतरीन काम माना जा सकता है। क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के आने से, इम्तियाज जलील साहब के जीतने के बाद जिस तरह से आज औरंगाबाद में काम किए जा रहे हैं, लगातार इंडस्ट्री को औरंगाबाद की और इम्तियाज जलील साहब खींच कर ला रहे हैं, उससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को वहां पर बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और आप सब मिलकर जिस तरह से वहां पर मेहनत कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और आने वाले चुनाव में बीएमसी हो या फिर एमएलए हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी वहां पर अपनी कामयाबी के झंडे को गाड़ेगी और एक नई तारीख वहां पर रकम करेगी। तो आप सब मिलकर ऐसे ही मजलिस का साथ दें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहें। मजलिस से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबरों को देखने, जानने, पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस न्यू राइजिंग न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।